मध्य प्रदेश की पांच बड़ी खबरें। इंदौर के केटोड स्थित चित्रकूट नगर में खाली मैदान में हैंड ग्रेनेड मिला ग्रेनेड राजा रामन्ना प्रौद्योगिकी केंद्र के बाहर करीब पड़ा हुआ था। टर्फ मैदान के पास ग्रेनेड मिलने की सूचना पर तत्काल पुलिस और बॉम्ब स्क्वाड पहुंचा, बम को कवर कर पूरा रास्ता सील करवाया गया। पूरे मामले में पुलिस ने जांच पड़ताल करते हुए BDDS के पास बम को जांच के लिए रखा। वहीं आर्मी हेडक्वार्टर और BSF से पत्राचार किया जा रहा है। उत्तराखंड में UCC लागू करने की तैयारी पर मध्य प्रदेश कांग्रेस PCC चीफ ने सवाल उठाए हैं। जीतू पटवारी ने यूनिफॉर्म सिविल कोड को डिवाइडिंग सिविल कोड बताया है। जीतू पटवारी ने कहा कि सरकार का रवैया देश के नफरत और घृणा की कई राशि फैलाने का है। मैं मानता हूं कि इससे अलग अलग वर्गों के छात्रों और युवाओं में भी भेदभाव की स्थिति उत्पन्न होगी। ऐसा करके ये देश को अराजकता की ओर ले जा रहे हैं। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के समय से पाला बदलने का खेल अब भी जारी है। आगामी लोकसभा चुनाव के पहले कांग्रेस के कई नेता BJP का दामन थाम रहे हैं। सिकड़ी में MP कांग्रेस के प्रवक्ता रहे अजय यादव ने BJP का हाथ थाम लिया। बता दें कि विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी से टिकट नहीं मिलने से अजय यादव नाराज चल रहे थे, तभी से उनके पार्टी छोड़ने के कयास भी लगाए जा रहे थे। उन्हें BJP कार्यालय में प्रदेश अध्यक्ष VD शर्मा ने BJP ज्वाइन करवाई। मध्य प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघा ने पूर्व उप प्रधानमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न देने का विरोध किया। उन्होंने रविवार को अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर लिखा, ये तो देश के सर्वोच्च सम्मान का अपमान ही कहा जाएगा। लाल कृष्ण आडवाणी जी को सरकार ने भारत रत्न देने की घोषणा की। मैं अभी तक समझ नहीं सका कि आखिर आडवाणी जी ने ऐसा कौन सा काम किया कि उन्हें भारत रत्न देने का फैसला किया गया। ये देश भूला नहीं है कि देश भर में सांप्रदायिक उन्माद फैलाने में आडवाणी जी की बड़ी भूमिका रही। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में आवारा कुत्तों की नसबंदी के लिए नगर निगम द्वारा संचालित ABC सेंटरों में बड़ा फर्जीवाड़ा हो रहा है। इसका खुलासा उस वक्त हुआ जब नसबंदी के बाद भी एक फीमेल डॉग ने 4 बच्चों को जन्म दिया है। इसकी शिकायत नगर निगम के अपर आयुक्त रणवीर कुमार से पीपल्स फॉर एनिमल भोपाल के चेयरपर्सन स्वाति कौरव ने की। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मृदुभाषी से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।